मैं सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, सुनील सिंह जी का और कांग्रेस पार्टी का, कि मेरे ऊपर उन्होंने विश्वास किया और मुझे कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक का तीसरी बार मौका मिला। मैं देवेंद्र डायरेक्टर भी रहा, वाइस चेयरमैन भी रहा और अभी चेयरमैन के पद पर बिठाया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक जो हमारा बुजुर्गों से लेके एक बहुत बड़ा हमारे ग्रामीण परिवेश की आर्थिक को उठाने के लिए, किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए जो बरसों से अंग्रेजों के वक्त काम करता रहा, 1920 की इसकी फाउंडेशन हुई है, उसके बाद ये लगातार उनको आगे उठाता रहा। और मैं उस बैंक का जो नाम है, उस बैंक के जो काम है, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करूँ। ये हालात बनी सारे राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों की भी हुई है, लेकिन इतना नहीं है जितना बाहर शोर है। लेकिन फिर भी मैं वहाँ जाके देखूंगा, अभी तक मुझे पूरा पता नहीं अंदर क्या है, तो उसके लिए हम और हमारे कर्मचारी मिलकर हम उसको प्रयास करेंगे कि ये अपने स्थान पे वापस लौटे। एक तो कहीं से चलेगा, चाहे वो मीरपुर से चले, चाहे वो कन्नौर से चले, लेकिन एक से लेके 100 तक जो है सबका बार बार उसमें जो प्रयोग होता है और सब बराबर है। और यहाँ सरकार जो होती है वो सबकी होती है, मीरपुर और शिमला की या मंडी की नहीं है, सरकार सबकी है, पूरे हिमाचल की है, और सरकार पूरे हिमाचल के जो काम है वो इकट्ठा करती रहेगी।